साईराम बच्चों, कैसे हो? अच्छा, अभी हम क्या पढ़ रहे थे? पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था हिंदी वसंत भाग एक का चैप्टर 8, ऐसे ऐसे। ये क्या था? एक नाटक है, एकांकी है, जिसमें एक बच्चा है मोहन, दीनानाथ एक पड़ोसी, मोहन की माँ, मोहन के पिता, मास्टर, मोहन जी के मास्टर हैं, मास्टर के मोहन के मास्टर जी हैं, और बैद जी हैं, डॉक्टर हैं, तथा पड़ोसी पड़ोसिन। तो इतने इसमें पात्र हैं। तो आपने कहानी पढ़ी थी या ये नाटक पढ़ा था कि उसमें कैसे एक मोहन 9 साल का बच्चा है जो कक्षा 3 में पढ़ता है, और आपकी तरह कई बहाने, जिस तरह से आप बनाते हो ना, मैम घर में लाइट नहीं थी इसलिए हम काम नहीं कर पाए, मम्मी पापा घर पे नहीं थे इसलिए हम काम नहीं कर पाए, इस तरह से कई बहाने होते हैं जो आप लोग हमसे करते हो जब आपका काम कंप्लीट नहीं होता है। तो ऐसे ही मोहन का भी स्कूल का काम छूट गया था, और जिसके कारण उसने इतना बड़ा ड्रामा किया कि उसके पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। उसके पेट में हकीकत में कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन उसने क्या किया, ऐसे ऐसे करके एक ड्रामा किया कि मेरे पेट में, और सबको परेशान कर दिया था। लेकिन लास्ट में मास्टर जी ने उसकी बीमारी को पकड़ लिया, और मास्टर जी के कहने पर उसकी बीमारी अपने आप दूर भाग गई। तो ये था मोहन का खेल। ऐसे ही आप लोग भी बहुत से बहाने करते हो या नहीं? तो इस तरह से हमने कहानी को पूरा पढ़ लिया था, रीडिंग कर ली थी, और उम्मीद है कि आप लोगों ने भी पुनः घर में इस लेसन की रीडिंग जरूर की होगी। तो आइए अब हम देखते हैं इसके कुछ कठिन शब्द, शब्दार्थ, वाक्य प्रयोग। तो देखो, कठिन शब्द में आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में 2 times 2 बार क्या करना है आपको, ये कठिन शब्द अपनी नोटबुक में लिखने हैं। जो भी मैं कार्य दूंगी वो आप अपनी नोटबुक में जरूर करोगे, क्योंकि स्कूल खुलने वाले हैं अब, और आपकी जो नोटबुक है वो चेक होगी। शायद सभी बच्चों ने अखबार सभी बच्चों के घर में आता होगा, और सभी को पता होगा कि स्कूल अब बहुत जल्द ही खुलने वाले हैं। तो आप अपना सारा काम कंप्लीट रखिए ताकि हम चेकिंग कर सकें और शिकायत का मौका ना मिले, क्योंकि इतनी सारी छुट्टियां हो गई हैं तो इसमें आपका कोई बहाना नहीं चलेगा, और आपके मार्क्स कार्ड दे जाएंगे अगर आप लोगों का काम कंप्लीट नहीं होगा। देखो, बैठक, दफ्तर, वक्त, थप्पड़, बदहजमी, फिर है आपका क्या, तख्त, करहाकर, गुलजार, चौकड़ी, और प्रवेश, फिर है डॉक्टर, हर्ष, मुक्का, कॉलिक, प्रकोप, मास्टर, 15, फर्स, छुट्टी, 28। तो ये थे आपके कठिन शब्द जो कि आपको 2 times अपनी नोटबुक में करना है। फिर है शब्दार्थ, बेचैन। बेचैन का मतलब होता है जिसे आराम ना हो, किसी तरह से आराम नहीं आता अपनी, मतलब एक अजीब सी बेचैनी होती है, आराम नहीं मिलता है, तो उसे कहते हैं बेचैन। अंटसंट, बेकार की चीजें। मुंह उतरना, उदास होना। हवाइयाँ उड़ना, घबरा जाना। रट लगाना, बार बार कहना। गुलजार, रौनक।
बदहजमी, पाचन में गड़बड़ी। टटोल कर, खोज कर। प्रवेश, अंदर आना। अठास, जोर की हंसी। जोर से जब हम हंसते खुले हो गए एकदम बिल्कुल जोर से, तो उसे कहते अठास करना। ठीक है, जब हम जोर से किसी चीज पे बहुत खुले मन से जोर से हंसते हैं तो वो होता है अठास। फिर है आपका वाक्य प्रयोग, गुलजार। देखो बच्चों, जो वाक्य प्रयोग मैं देती हूँ आपको, अगर इसके अलावा आप अपने वाक्य बनाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप भी, आपको भी वाक्य बनाने आ जाएंगे तो आप अपने आप से भी वाक्य बना सकते हो। गुलजार, बच्चों से घर गुलजार रहता, यानी बच्चों से घर में क्या रहती है, रौनक। तो गुलजार का मतलब है रौनक, तो बच्चों से घर गुलजार रहता है। मुंह उतरना, पेट के मारे, पेट दर्द के मारे मोहन का मुंह उतर गया। अठास, बाद में सभी ने अठास किया। फिर आया आपका हवाइयां उड़ना, मास्टर जी को देखकर सब मोहन की हवाइयां उड़ गई। ये था। फिर है आपका बच्चों क्वेश्चन आंसर। देखो आपका प्रश्न एक है, सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक को दृश्य, बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, उस पर एक फोन रखा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ, मतलब इस तरह से आपको एक बैठक का सीन बनाना है। ये आपको चित्र बनाना है कि उस बैठक में एक कमरा है तो उसके तीन दरवाजे हैं। तो दरवाजा एक तो क्या है, उसका दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, सड़क की तरफ खुलता है, और उस पर क्या है, सड़क वाले बरामदे में खुलता है, उस पर एक फोन। फिर उसमें एक तख्त है, इसमें क्वेश्चन गड़बड़ दे रखा है। सड़क के आपके जो ये है आपका कैसा, ये वाला आपका, सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका क्या है, एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। यानी उसके तीन दरवाजे हैं, जो एक बरामदे में खुलता है, एक अंदर वाले कमरे की ओर और एक रसोई घर की ओर। फिर अलमारियों में पुस्तक लगी है, साइड में एक अलमारी है जिसमें कुछ किताबें रखी हुई हैं, एक और एक रेडियो का सेट है, दो और दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं, बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है, पर्दा। बस इतना आपको बनाना है, इस को पढ़ते हुए आपको एक चित्र बनाना है, कहाँ बैठक का सीन इस तरह से उसको बनाना है। तो ये आप क्या करोगे, खुद बनाओगे। छात्र दिए गए विवरण के आधार पर स्वयं तस्वीर बनाने का प्रयास करेंगे, यानी इसको आप स्वयं करेंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर टू, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी। माँ को क्यों घबराहट हो रही थी कि जब मोहन बार बार ऐसे ऐसे कह रहा था। मोहन के पेट में दर्द था, वह रह रहकर कहराता था और बेचैनी में करवटें बदलता था। पूछने पर वह बस यही कहता था कि पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ समझ नहीं पा रही थी आखिर यह बीमारी कौन सी है। उन्हें मोहन के चेहरे का रंग उड़ा सा लगता था। यही कारण है कि मोहन की माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर घबरा रही थी। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर थ्री, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं। ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखो। ऐसे कौन कौन से बहाने हैं कि जिनको मास्टर जी एक बार, यानी कोई भी टीचर आपका, वो आपके बहानों को समझ जाता है कि आप
क्या क्या बहाने बना रहे हैं। ऐसे कई बहाने हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं, जैसे पेट दर्द, सिर दर्द या बुखार का बहाना, माँ की बीमारी, पिताजी के शहर से बाहर गए होने का बहाना, बस छूट जाने का बहाना इत्यादि। ये सब मास्टर जी क्या आपको पहचान जाते हैं कि आप ऐसे कौन कौन से बहाने बनाते हो। तो ये आपके नोटबुक में केवल 3 ही प्रश्न हैं, जो आपके पहला तो आपको चित्र बनाना है, दूसरा कि मोहन की माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा जाती है, और तीसरा कि ऐसे कौन कौन से बहाने हैं जिन्हें देखकर मास्टर जी समझ जाते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन आप लिखोगे, और चौथा है आपका अनुमान और कल्पना, यानी आप अपने आप से एक अनुमान लगाओगे, कल्पना करोगे। ये क्वेश्चन आपको स्वयं करना है, आपका होमवर्क है कि आपको ये करना है। स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। मान लो एक बार उसे सचमुच पेट में दर्द हो गया और उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, तब मोहन पर क्या बीती होगी। देखो अभी तो मोहन झूठा बहाना कर रहा था, काम न करने के बहाने से, स्कूल के काम से बचने के लिए वह ऐसा बहाना बना रहा था। लेकिन सोचो, कल्पना करो, यदि उसके पेट में सचमुच में दर्द होता हो रहा हो, और उसके अगर दोबारा आप कभी उसके पेट में सचमुच में दर्द हो तो लोग विश्वास तो नहीं करेंगे, क्योंकि पहले उसने झूठ बोला है। इसलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि अगर जब आपने एक बार झूठ बोल दिया और वो मुसीबत आपके पास दोबारा से आती है तो लोग, और मुसीबत आपके पास सचमुच में आ जाए तो लोग आप पे विश्वास नहीं करते हैं। तो इसलिए किसी का विश्वास खोने के लिए कभी भी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो आप कल्पना करो, यदि जैसे उसने एक बार तो बहाना कर दिया झूठा कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, लेकिन अगर उसके पेट में कभी हकीकत में दर्द हुआ तो क्या लोग उस पर विश्वास करेंगे। तो अगर जब लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे तो तब मोहन पर क्या बीतेगी, मोहन कैसे उस परिस्थिति का सामना करेगा। ये आप अपनी कल्पना, अपना अनुमान लगा के उत्तर लिखना कि आप क्या सोचते हो कि उसके बारे में, कि ऐसा होगा तो क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका लेसन नंबर 8, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसको नोटबुक में करना है, और फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। ठीक है।